जय महाकाल। हे लोकेश्वर, तुम बार बार मुझे अपशकुन दिखाकर डराना चाहते हो ताकि मैं इन अपशकुनों से डरकर राम के चरणों में जाकर बैठ जाऊं, और तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि राम हर समय तुम्हारे पास कुछ न कुछ मांगने की आशा से हाथ बांधे खड़ा रहता है, इसलिए तुम रावण की उपेक्षा करके राम का साथ दे रहे हो। दो, राम का ही साथ दो, लेकिन ये तुम भी देख लेना कि रावण से युद्ध करना राम के लिए कितना बड़ा दुष्कर होता है। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अभिमान का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता क्योंकि अपनी शक्ति पर अहंकार करने का पूरा अधिकार है मुझे, क्योंकि ये शक्तियां किसी ने मुझे दान में नहीं दिया। मैंने हजारों वर्ष अखंड तपस्या करके और अपने कर्म बल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, क्योंकि मेरे हजारों वर्ष अखंड तपस्या के उपलक्ष में कर्म के विधान के अनुसार वो सारी शक्तियां तुम मुझे देने पर विवश थी। मैंने शक्तियां पाई और उसी पर अहंकार किया है, और ये तो तुम भी जानते हो महाकाल कि जब कोई अपार शक्ति पा लेता है तो तुम्हारी ही माया उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। यही अवस्था मेरी है, मैंने शक्तियां पाई और उसी पर अहंकार किया है, तो और उसी अहंकार के कारण मैंने लोगों पर अत्याचार भी किए, तो क्या बुरा किया? अरे जब शक्ति का मद तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर पाते, उनमें भी अहंकार आ जाता है, तो मुझे मेरी शक्तियों पर अहंकार हुआ तो क्या बुरा हुआ? हे लोकेश्वर, मैं ये भी जानता हूं कि मैंने धर्म का मार्ग छोड़ा है और अधर्म का मार्ग अपनाया है, तो उसका दंड भी मुझे भोगना ही पड़ेगा। दंड भी मैं वैसे ही भोग लूंगा जैसे अपनी शक्तियों का भोग किया है, वैसे नहीं जैसे तुम और सभी चाहते हैं। रावण का मस्तक गौरव से ऊंचा उठा रहा है और सदा ऊंचा उठा रहेगा। रावण के मस्तक को शत्रु कभी झुका नहीं सकता। यदि जीवित रहा तो संध्या काल फिर तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा। जय महाकाल। मेरे लंका के शूरवीरों, आज हमारा अंतिम निर्णायक युद्ध है। जो भी अपने देश की आन के लिए, अपने राजा के स्वाभिमान के लिए और राक्षस जाति के सम्मान के लिए लड़ते हुए मरने से नहीं डरते हैं, वही मेरे साथ चले, और जिसे मृत्यु का भय सता रहा है वो इसी क्षण हमारी सेना से अलग होकर अपने घर वापस लौट जाए, क्योंकि युद्ध भूमि में जाने के बाद यदि किसी ने शत्रु को पीठ दिखाने की कोशिश की तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। और जो अपने आन पर लड़ते हुए मरने से नहीं डरते हैं केवल वही मेरे साथ चले। महाराज देश के लिए जान दे देंगे परंतु पीछा नहीं हटेंगे। महाराज शाबाश मेरे बहादुरों, शाबाश। यही एक वीर जाति का लक्षण है कि भले जान चले जाए आन मिटनी न चाहिए। बढ़ाओ आगे, शत्रु को कुचल डालो, ऐसे शत्रु पर टूट पड़ो जैसे हिरण के झुंड पर शेर कूद पड़ता है तो हजारों की भीड़ हिरण की तितर बितर हो जाती है, वैसे ही शेर बनकर शत्रु पर टूट पड़ो, रणफेरी बजाओ और डंके की चोट पर शत्रु से फिर जाओ। हर हर महादेव का जयनाद करते हुए आगे बढ़ो और हाथी की भांति इन बानर भालुओं को कीड़े समझकर मसल डालो। आक्रमण करो, आक्रमण, आक्रमण। सखा विभीषण, आज आपका मुखमंडल मैं उदास देख रहा हूं, इस उदासी का कारण क्या है? नाथ नरथ नहीं तन पवित्र के प्रभु श्री राम, आपके पास न रथ है
और न चरण में पद त्राण है। और लंकेश रावण अपने रथ पर सवार होकर आपसे युद्ध करने आ रहे हैं। आप ही बताइए कि वीणा रथ एक रथी से आप विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हे सखा, जिस रथ से विजय हुआ करते हैं वह रथ तो और ही है। मेरे पास तो धर्म रथ है और रावण के पास अधर्म रथ है। प्रभो, आपने मेरे मन का संदेह दूर कर दिया। राम, आज तुम्हारा और मेरा अंतिम निर्णायक युद्ध है। कल सूर्य अस्त होकर तुम दोनों भाइयों का प्राण बचा ले गया था, लेकिन आज मैं ठान कर आया हूं कि या तो युद्ध भूमि से आज तुम जीवित जाओगे या रावण विजय पताका लहराते हुए जाएगा। रावण, तुम अपने आप को बहुत बलशाली समझते हो, परंतु मैंने इस संसार में तीन तरह का मनुष्य देखा, आम, कटहल और कमल। आम रूपी मनुष्य वो होते हैं जो फूलते भी हैं और फलते भी हैं। कटहल रूपी मनुष्य वो होते हैं जो सिर्फ फलते हैं, और कमल रूपी मनुष्य वो होते हैं जो सिर्फ फूलते हैं। तुम वही कमल रूपी मनुष्य हो, तुम तो बोलते हो, अब तुमसे कुछ होने वाला नहीं है रावण। राम, मैं वो हूं जो कहता हूं वही करता हूं। रावण को उसके निश्चय से हटा पाना तीनों लोकों में किसी के लिए संभव नहीं है। आज भी मैं युद्ध में खड़ा होकर तुम्हें ललकार कर कहता हूं कि तुम रावण को उसके निश्चय से हटाकर नहीं दिखा सकते। रावण को उसके निश्चय से हटाना तेरे वश का नहीं है। राम, तुमने अपनी पत्नी को लंका से मुक्त कराने के लिए रावण से लड़ाई की है। मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी सीता को वापस नहीं करूंगा, क्योंकि शीश के शीश मेरे और भुजा बीस मेरे, ये बात है मेरे गौरव और गुमान की। लंका से द्वीप मेरे, संपत्ति अटूट मेरे, ये बात है निशाचरों के मान सम्मान की। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती मेरे, ये बात है मेरे कुल के गुमान की। कहता हूँ राम सुन ले खोल कान, अरे पहले दई हो जान फिर बाद में दई हो जान की। रावण, शीश के शीश लियो और भुजा बीस लियो, 1 लाख पुत्र लियो, 1.25 लाख नाती लियो। ए रावण सुन खोल कान, पहले लियो जान और फिर बाद में लियो जान के। रावण की जान तुम लोगे? राम, ऐसा बाण है तुम्हारे तरकस में? रावण की जान लेना इतना आसान नहीं है। यदि तुम्हें अपने धनुष और बाण पर इतना ही विश्वास है तो उठा धनुष, रावण को अंत गति पहुंचा कर दिखा। मैं भी देखूं कि तेरे बाण में कितनी क्षमता है, तू रावण का शीश कैसे काट सकता है। रावण, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चला बाण, देखो तू मेरा शीश। Thank you.
ये क्या? मैं बार बार रावण पर बाण चलाता हूं, परंतु ये दुष्ट मरता नहीं है। हे सखा, क्या कारण है जो रावण की मृत्यु नहीं हो रही? प्रभो, आप अपने धनुष पर 31 वाण का एक बार संधान करें, 10 वाण से उसका 10 सर एक बार काटिए और 20 वाण से 20 भुजा का अंत कीजिए। बचा एक वाण, उनके नाभि में अमृत का वास है, उस वाण से उसका अमृत अंत कर दीजिए, रावण की मृत्यु हो जाएगी। विभीषण, कुलद्रोही, तूने मेरे कुल का सर्वनाश कराया है। यदि उस दिन मैंने तुम्हें देश निकाला देने के बजाय मृत्यु दंड दे दिया होता, लंका का भविष्य कुछ और होता। लेकिन तुझे जीवित छोड़ने की जो भूल की, उसी का परिणाम ये लंकावासी भोग रहे हैं। उस दिन चाहकर भी तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय तुम्हें मृत्यु दंड दिया होता तुम्हारी लंका में ही दो दल बन जाने की आशंका थी। लेकिन आज तुझे मारने का पर्याप्त कारण है मेरे पास। तूने अपने देश के साथ द्रोह किया है, अपने कुल के साथ द्रोह किया है, भाई के साथ विश्वासघात किया है। कुल द्रोही विभीषण, जिस राम की आड़ में खड़ा है, देखता हूं कि वो राम तुझे कैसे बचाता है, मेरे तामस अस्त्र से तेरी रक्षा कैसे करता है। लक्ष्मण, महाराजा रावण बहुत बड़े पंडित है, ज्ञानी है, तुम जाकर राजनीति की विद्या ग्रहण करो। लक्ष्मण, आपकी जैसी आज्ञा हो प्रभु। पंडित रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। पंडित रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कौन मुझे स्वर्ग जाने से रोक रहा है? मैं लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहा हूँ। लक्ष्मण, कहाँ आए हो? लक्ष्मण, राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। राजनीति सीखने आए हो? हाँ। और गुरु के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, गुरु की क्या मर्यादा है, इसका भी ज्ञान नहीं तुझे? जाओ, राम से पहले गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह सीख कराओ। लक्ष्मण, यह सीख कराओ। राम भैया, लक्ष्मण, पंडित रावण तो यह कह रहे हैं कि गुरु के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, पहले यह सीख कराओ। लक्ष्मण, अरे पहले तुम ही तो गुरु बन चुका, वो कैसे उपदेश देंगे? किसी से कुछ सीखने के लिए जाता है तो चरणों में जाकर वंदना करना चाहिए। गुरु मानकर जाके इनके चरणों में वंदना करो, फिर उनसे राजनीति विद्याकरण करो। आपकी जैसी आज्ञा हो। पंडित रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो लक्ष्मण। राजनीति सीखने आए हो? हाँ। अरे पहले बाण मारकर धरा सही किया, और जब मरणोन्मुख हो गया तो गुरु बनाने आए हो? मारी मारी बाणंते पूछत हो राजनीति? अरे ऐसी अनीति पर कैसी नीति बताऊं मैं? अरे राम, बाण जाती है मेरी जान, अरे चलती है छाती, दुख कैसे बिसराऊं मैं? जाए कहो राम से, क्या वे निशंक होए? देखे निज बाण तो चैन कछु पाऊं मैं? सेवा अभिराम, श्री राम से बोलो,
के पहले देवे दर्शन तब नीति सिखाओ, मैं पहले राम को बुलाओ, लक्ष्मण राम को बुलाओ।